हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई डैम नेचुरल आर्ट एंड शोभा के साथ। फ्रेंड्स, मेरी आपको अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये देखिए, मैं सुबह का टाइम है, सुबह 7 बजे का टाइम आपको दिखा रही हूँ। ये दूर पहाड़ियों पे सूरज आ गया, जहाँ पे ऊंचाई थी वहाँ पे सूरज निकल दिखाई दे रहा है, धूप दिखाई दे रही। लेकिन जो निचले हिस्से में है वहाँ पर भी धूप नहीं आई, वहाँ भी ठंडक ही है। आपको दिखा रही, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गाँव के पहाड़, गाँव के ये जो गांव, दूर दूर तक गांव दिखाई दे रहे हैं, दूर मकान बने हुए बहुत सुंदर दिखा रहे हैं। ये नज़ारा बहुत सुकून देता है आँखों को, बहुत प्यारा लगता है। और हम लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो हमें ये पहाड़ देखने को नहीं मिलते। ये देखिए, कितनी दूर से धूप ऊँचे पहाड़ों को छू रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है। घर बने हुए ऐसे लगता है, सीढ़ीदार घर है, बहुत अच्छा सा नज़ारा है। ये देखिए, जब हम शादी में गए थे तो आते समय मैं कुछ कहीं पे यादगार पल बना रही, उनको वीडियो बना रही थी, उन्हीं से मैंने ये आज का आप लोग यहाँ शेयर करूँ का सारे वीडियो को। तो मैं कुछ कुछ हिस्से मैंने जो शूट किए थे अपनी यादों में रखने के लिए, वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, नीचे आते के साथ यहाँ पे ये आम भाषा में गधरा बोलते हैं, तो ये छोटी मोटी नदी होती है एक तरह की, तो वही है। इस टाइम तो पानी बहुत कम है, लेकिन बरसात के टाइम तो ये बहुत पानी रहता होगा इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे पुल बना हुआ है। हमने ज़्यादातर मैंने बहुत कम देखे पुल गांव में, क्योंकि हमारे इधर पुल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी चौड़ा पुल है। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ, हमारे तो पैरों में दर्द हो गया था, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये गाँव तक सीढ़ियाँ थी, ये नीचे भी सीढ़ियाँ ही हैं, ऊपर भी पूरी सीढ़ियाँ ही थी। इस तरीके से हम सीढ़ी चढ़ जाते समय में सीढ़ी चढ़ के गए, आते समय सीढ़ी उतर के, जिससे कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। देखिए, वीडियो बना रही हूँ, आगे मेरी फ्रेंड चल रही है, हम दोनों को अच्छा एक दूसरे का वो अच्छी कंपनी मिल गई थी, जिससे कि हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हम अलग अलग ही चल रहे थे, बाकी लोग थोड़ा अपनी एज के हिसाब से ग्रुप बना रखा था, समय तो हम दोनों का ग्रुप था। देखिए, नीचे पहले बहुत ठंडा पानी है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शहर से दूर शांत इलाके में गांव की हरियाली के बीच बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आपको बताया था मैं शादी में गई थी, तो उसमें से कुछ कुछ आप शेयर करें। वहाँ पर मैंने भी एक भजन गाया था, और ये सबके साथ इंजॉय किया था हम लोगों ने। कोरोना टाइम था, तो कहीं पे जेंट्स डांस कर रहे थे, कहीं पे लेडीज़ का संगीत, तो हर जगह अपना अपना वो चल ही रहा था। कहीं कुछ कुछ मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो वही यादगार मूवमेंट होते हैं। बाकी तो शादी को मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जो पल थे हमारे साथ, जो हमने अच्छे से इंजॉय किया था, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से लगता है अपने संस्कारों को देखना, अपने रीति रिवाज देखना, तो उन्हीं सब के साथ मैंने ये थोड़ा सा जो शूट किया आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो बहुत अच्छा नज़ारा था, सब लोग बैठे हुए थे। तो इस रास्ते में आते हुए हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत देखा, जो बहुत दूर से वाइट, बिल्कुल वाइट ऐसे लग रहा सिल्वर हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, चांदी की तरह चमक रहा था। ऐसे ऐसे मेरी यात्रा ये ख़त्म हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, बाय।